Welcome to Karm & Co Education, Strive to Excellence. Hello students, मैं आदित्य भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल Karm & Co Education पे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेन्स, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। ये हमारा स्पीड डिस्टेंस टाइम का ही एक टॉपिक है, ठीक। देखिए, ट्रेन्स में जो पहला क्वेश्चन है वो ये होता है, ट्रेन क्रॉसेस अ मैन, पोल, ट्री एटसेट्रा, ऐसी चीजें जिनकी लेंथ नेग्लिजिबल होती है। एक मैन हो गया, पोल हो गया, ट्री हो गया, इन सबको पार करने में जो ट्रेन है कितना टाइम लेगी। देखिए, हाउ मेनी सेकेंड्स विल अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर टेक टू पास अ सर्टेन पोल। क्या कहता है कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कितना टाइम लेगी एक पोल को पार करने में, ठीक है। हमारे पास देखिए टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस केस में जब भी ट्रेन किसी मैन को, पोल को, ट्री को पार करती है तो जो डिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ ट्रेन होती है। डिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ ट्रेन होती है हमारे पास, ठीक है। और स्पीड आपको दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब है, 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 10 मीटर पर सेकेंड, या आप इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक। तो टाइम कितना लगेगा, सेकंड्स में आंसर आएगा, देखिए कितना आएगा। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, लेंथ ऑफ द ट्रेन 200 मीटर है, 200, और टाइम कितना है हमारे पास 10, तो इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 सेकंड्स, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूं, याद रखना कि जब भी ट्रेन नेग्लिजिबल लेंथ वाली चीजों को पार करती है तो वो अपनी ही लेंथ को कवर करती है। वही टाइम पूछा जाता है कि अपनी लेंथ को ही कवर करने में वो कितना टाइम लेगी। जैसे कि यहां पर बोला गया है कि ट्रेन 200 मीटर लंबी है और वो 36 की स्पीड से चल रही है, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। देखिए 10 मीटर वो एक सेकंड में चल रही है, तो 200 मीटर कितने में चलेगी, 20 सेकंड में, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रेन जो है, अभी यहां पर तो मैन था, पोल था, इनकी नेग्लिजिबल लेंथ थी, लेकिन अब की बार क्या है, एक ब्रिज होता है, प्लेटफॉर्म होता है, टनल होता है, इन सब की कुछ लेंथ होती है, इनकी तो नेग्लिजिबल नहीं होती। तो इस केस में क्या होता है, जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमें लगाना है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगा इस केस में वो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म हो, ब्रिज हो, टनल हो, कुछ भी हो, दोनों की लेंथ को आप एड कर देंगे। अब देखिए यहां पर हमारे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 300 मीटर लंबी ट्रेन है और 200 मीटर लंबा एक ब्रिज है। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं, हाउ मेनी सेकंड्स विल अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर टेक टू पास अ ब्रिज 200 मीटर लॉन्ग। 300 मीटर लंबी ट्रेन है जो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और एक ब्रिज को जो कि 200 मीटर लंबा है उसको पार करने में वो कितना समय लेगी। देखिए हमारे पास जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 300 प्लस 200, डिस्टेंस हो जाएगा 300 प्लस 200, और नीचे आएगी स्पीड। अब ये है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, तो नीचे आ जाएगी स्पीड हमारी 20, ठीक है। तो टाइम आ जाएगा 500 अपॉन में 20, आ जाएगा 25 सेकंड, 25 सेकंड्स हमारा आंसर आएगा। फिर से देख लीजिए, जब भी ट्रेन ब्रिज को, प्लेटफॉर्म को, टनल को, इन सब चीजों को पार करेगी तो इसमें जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की खुद की लेंथ प्लस में उस ब्रिज की, प्लेटफॉर्म की, इन सब की लेंथ होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस आ गया 500 और स्पीड आ गई 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 सेकंड्स। नेक्स्ट है हमारा ट्रेन्स क्रॉसिंग ईच अदर। इस बार क्या होगा, दो ट्रेन्स होंगी जो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो देखिए इसमें दो केस बनते हैं, एक होता है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब कि एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, जो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है, देखो ट्रेन ए है, उसकी स्पीड है एक्स मीटर पर सेकेंड, लेंथ है ए मीटर, ए मीटर की लेंथ है, ये है एक्स मीटर पर सेकेंड, और ट्रेन बी है
और जो ट्रेन भी है जो 20 मीटर की लेंथ की है और इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, किसी एक की स्पीड तो ज्यादा होगी या तो एक्स या तो वाई तभी क्रॉस होंगी, ठीक है। तो मैंने 2 मिनट के लिए मान लिया कि एक्स वाली स्पीड जो है मेरी ज्यादा है, मतलब ट्रेन ए जो है वो ज्यादा की स्पीड से चल रही है, ठीक है। इसका मतलब ए ट्रेन ट्रेन बी को क्रॉस कर देगी कुछ टाइम में, ठीक है। तो वही टाइम हमसे पूछा जाएगा कि जो ट्रेन ए है या तेज चलने वाली ट्रेन जो है वो धीरे चलने वाली ट्रेन को ओवरटेक कर देगी, क्रॉस कर देगी कितने टाइम में। तो देखिए ये इनकी लेंथ हो गई और ये इनकी स्पीड्स हो गई। मैंने कहा था लेंथ ही हमारे पास डिस्टेंस होती है, तो इस केस में दोनों की लेंथ को ऐड कर देंगे तो ए प्लस बी तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और ये सेम डायरेक्शन है तो स्पीड का जो है डिफरेंस नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा एक्स माइनस वाई। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है मीटर में है और ये मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ऊपर ट्रेन की लेंथ को ऐड कर देना है, नीचे स्पीड्स का डिफरेंस लेना है अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो, ठीक है। अच्छा सेकंड केस हमारे पास आता है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, ट्रेन ए है जो 1 मीटर लेंथ की है, ठीक है, इसकी एक्स मीटर पर सेकंड की स्पीड है, ठीक। ट्रेन बी है जो 2 मीटर की लेंथ की है और इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो टाइम होगा वो कितना आएगा, देखिए एक दूसरे को क्रॉस करने में जो टाइम होगा, टाइम लगेगा कितना लगेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ट्रेन ए इधर चल रही है और ट्रेन बी इस साइड चल रही है, ठीक है। तो टाइम जो होगा हमारे पास होगा ए प्लस बी, ऊपर तो दोनों ऐड ही होंगे, इसमें नीचे भी ऐड हो जाएंगे एक्स प्लस वाई सेकेंड, ठीक है। और ये जो नीचे हम लिखते हैं ना एक्स माइनस वाई और यहां पर लिखा हमने एक्स प्लस वाई, यही हमारी रिलेटिव स्पीड भी कहलाती है, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। ये हमारी क्या है, रिलेटिव स्पीड, ठीक। देखिए तो क्वेश्चन है हमारे पास, टू ट्रेन्स 200 मीटर एंड 150 मीटर आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स एट 54 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है वो 54 की स्पीड से चल रही है, दूसरी वाली जिसकी 150 मीटर की लेंथ है वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगी इफ दे आर रनिंग इन, पहला पॉइंट है आपका सेम डायरेक्शन और दूसरा है अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगी अगर अगर ये सेम डायरेक्शन में चलती है और अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। तो एक ही में मैंने दोनों पार्ट आपको बताए हैं। देखिए हमारे पास ए ट्रेन है 200 मीटर की, ठीक है, और बी वाली है 150 मीटर की, ठीक है, और ए की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, में से एक्स लिख देता हूं 54 किलोमीटर पर आवर, और ये वाली है हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा तो ये हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 15 मीटर पर सेकेंड, ये है 15 मीटर पर सेकेंड और ये हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये 15 मीटर पर सेकेंड होता है और ये 20 मीटर पर सेकेंड होता है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए सेम डायरेक्शन में जो टाइम लगेगा, सेम डायरेक्शन में जो टाइम लगेगा वो लगेगा, ऊपर तो प्लस कर देना है, ऊपर तो दोनों में ही प्लस करना है, ठीक है, और नीचे सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, स्पीड्स को माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 15, ठीक है, ये आ जाएगा ऊपर 350, नीचे आ जाएगा 5, 70 सेकेंड लगेंगे एक दूसरे को क्रॉस करने में सेम डायरेक्शन में। और वही बात आती है अपोजिट डायरेक्शन की, अपोजिट डायरेक्शन की तो ऊपर तो प्लस ही होना है, 350 आएगा, ठीक है, नीचे भी प्लस हो जाएगा तो 20 प्लस 15 35 आएगा, तो ये आ जाएगा 10 सेकेंड्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेन पासिस अ वॉकिंग मैन, कि ट्रेन इस बार एक व्यक्ति को क्रॉस करेगी जो कि चल रहा होगा या तो सेम डायरेक्शन में या तो अपोजिट में। हाउ मच टाइम विल अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर टेक टू क्रॉस अ मैन हु इज वॉकिंग एट
6 किलोमीटर पर आर इन सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों केस एक ही क्वेश्चन में देती है, अलग अलग नहीं लिए। तो देखिए एक ट्रेन जिसकी लंबाई है 110 मीटर, ट्रेन की हमारे पास लंबाई है 110 मीटर, ठीक है, जो कि कितनी स्पीड से चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और एक व्यक्ति है, व्यक्ति की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी अगर वो सेम डायरेक्शन में है और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखिए पहले सेम डायरेक्शन में क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, ठीक, हमारे पास सेम डायरेक्शन में मैंने आपको रिलेटिव स्पीड बताई थी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी सेम डायरेक्शन में 54, दोनों की स्पीड माइनस कर देंगे तो टाइम हमारे पास लगेगा 110 मीटर अपॉन में 54, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये है कि ये 54 जो है वो किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 लगा देंगे, ठीक है, 18 से इसे काटा 3, तो ये आ गया 110/3 × 5, 5 से इसको काट दो, ये आ गया 22/3, यानी कि 7 1/3 सेकंड। तो यानी कि अगर सेम डायरेक्शन में वो व्यक्ति चल रहा है, मतलब कि ट्रेन भी यूं चल रही थी और व्यक्ति भी इसी डायरेक्शन में जा रहा था, तो ट्रेन को लगेंगे 7 1/3 सेकंड उस व्यक्ति को पार करने में, क्रॉस करने में। लेकिन अगर बात आ गई अपोजिट डायरेक्शन की, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा कि मतलब ट्रेन तो जा रही है इस साइड लेकिन व्यक्ति जा रहा है इस साइड, तब देखिए नीचे क्या होगा, सिर्फ स्पीड एड हो जाएंगी, टाइम तो वही लगेगा। देखिए 110 मीटर का सेम डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, लेकिन स्पीड इस बार दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों स्पीड्स का सम, तो ये हो जाएगा 66, 66, फिर से वही कि ये है तो किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18 लगा देंगे, ठीक है, 18 ऊपर चला जाएगा तो 110 × 18 नीचे आ जाएगा 66 × 5, ये कटेगा 3 5, 22 से काटा है और ये आ जाएगा 6, ठीक है, 5 से 5 गया, तो हमारे पास कितना आ गया 6 सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, देखो ट्रेन जो है वॉकिंग मैन को कितने टाइम में पार करेगी अगर वो सेम डायरेक्शन में है और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नीचे स्पीड्स का डिफरेंस लिख देना है, ऊपर तो लेंथ ही आएगी ट्रेन की, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है, नीचे स्पीड्स का सम कर देना है और नॉर्मली सॉल्व करना है, इसका आ गया 7 1/3 सेकंड और इसका आ गया 6 सेकंड आंसर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन पासेस अ स्टेशनरी मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 7 सेकंड्स, एक व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, ट्रेन उसे पार करने में 7 सेकंड का समय लेती है, एंड पासेस बाय द प्लेटफॉर्म इन 28 सेकंड्स, और पूरे प्लेटफॉर्म से पास होने में वो 28 सेकंड का समय लेती है। इफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 330 मीटर, अगर प्लेटफॉर्म की लेंथ 330 मीटर है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की लेंथ क्या होगी। देखिए ट्रेन की लेंथ, इसे मैं पहले बेसिक से कराता हूं आपको, बेसिक कैसे होता है इसका, कि अगर ट्रेन की लेंथ एक्स मीटर है तो वो 7 सेकंड में अपनी लेंथ को पार कर रही है, मतलब व्यक्ति को पार कर रही है, 7 सेकंड में अपनी लेंथ को पार कर रही है, ये ट्रेन की स्पीड है, इक्वल होगा 28 सेकंड में वो किसको पास करती है, प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ और इसे पास करती है वो 28 सेकंड में, ये भी तो ट्रेन की स्पीड ही है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड ही तो होता है, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। तो देखिए इसका सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये गया 4, ठीक है, ये आ जाएगा 4x = x + 330, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 110, ठीक है, ये 3x हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3, तो 110 मीटर ये हमारे पास आ जाएगी ट्रेन की लेंथ 110 मीटर। ये तो था इसका बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, अब इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेन निकालने का, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालने का डायरेक्ट मेथड है हमारे पास लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन डिफरेंस इन टाइम
डिफरेंस इन टाइम मतलब प्लेटफॉर्म और व्यक्ति को पार करने में जितना टाइम लिया गया उन दोनों का डिफरेंस इनटू टाइम टाइम टेकन टू क्रॉस द मैन, मतलब व्यक्ति को क्रॉस करने में लिया गया टाइम उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हमारे पास लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है 330, डिफरेंस इन टाइम मतलब उस प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी 28 सेकंड में और व्यक्ति को पार कर रही थी 7 सेकंड में, ठीक है, और इनटू में 7 क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही थी 7 सेकंड में, तो हमारे पास आ जाएगा 330 अपॉन 21 इनटू में 7, 7 से काटा 3, 3 से काटा 110, तो ये हमारा आंसर आ गया 110 मीटर ट्रेन की लेंथ आ गई। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ बट विद डिफरेंट स्पीड्स पास अ स्टैटिक पोल इन 4 सेकंड्स एंड 5 सेकंड्स। दो ट्रेन है हमारी जिनकी लंबाई सेम है, सेम लेंथ की है लेकिन डिफरेंट स्पीड है, स्पीड अलग अलग है, एक पोल को पार करने में 4 सेकंड और 5 सेकंड का समय वो लेती है। इन व्हाट टाइम दे क्रॉस ईच अदर व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों केस ले लिए कि अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगी और अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड तो करना नहीं है, बेसिक तो इसका थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं। देखिए डायरेक्ट में क्या करना है, दो ट्रेन है तो टू इंटू हमारे पास ये दो टाइम दे रखे हैं तो ऊपर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ टाइम यानी कि दोनों टाइम का जो ये टाइम 4 सेकंड और 5 सेकंड है इनका प्रोडक्ट आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा ये सेम डायरेक्शन के लिए बता रहा हूं, सेम डायरेक्शन के लिए नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। और वहीं अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो नीचे क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, अगर अपोजिट है तो नीचे क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। देखिए सेम डायरेक्शन में जो टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में वो लगेगा 2 × 4 × 5 क्योंकि एक 4 सेकंड में पार कर रही है, एक 5 सेकंड में पार कर रही है, और नीचे दोनों का डिफरेंस आएगा यानी कि 5 − 4 तो ये आ जाएगा 2 × 4 = 8 और 5 = 40 तो ये आ जाएगा 40 सेकंड सेम डायरेक्शन में। वहीं अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात होती है तो अपोजिट डायरेक्शन में 2 × प्रोडक्ट ऑफ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ टाइम तो ऊपर आना ही है और नीचे क्या आ जाएगा, सम ऑफ टाइम, सम ऑफ टाइम मतलब ये दोनों जो टाइम 4 और 5 दे रखे इनको नीचे ऐड कर देंगे। देखिए 2 × 4 × 5 अपॉन में नीचे सम करना है तो 4 + 5 ठीक है, इसे मैं डायरेक्ट लिख दूं 9 ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × 4 = 8, 5 = 40, 40/9 सेकेंड दोनों को लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू ट्रेन्स फॉर दिल्ली लीव जयपुर एट 8:30 AM एंड 9 AM रेस्पेक्टिवली ट्रेवलिंग एट 60 km/h एंड 75 km/h। दो ट्रेन है जो दिल्ली से जयपुर की ओर जाती हैं, एक शुरू करती है 8:30 बजे चलना और एक करती है 9 बजे ठीक है, और पहली वाली ट्रेन चल रही है 60 की स्पीड से, दूसरी वाली चल रही है 75 km/h की स्पीड से। हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर विल द टू ट्रेन्स मीट, दोनों ट्रेन जयपुर से कितना पहले मिलेंगी, देखिए कितने किलोमीटर पहले दोनों ट्रेनें मिलेंगी, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, ये निकालना है कि देखो दिल्ली से लेकर जयपुर तक दोनों ट्रेन यहां से चलती हैं, दोनों ट्रेन यहां से लेकर यहां तक चल रही है, एक चल रही है 8:30 बजे और एक चल रही है 9 बजे ठीक है, इसकी स्पीड है 60, इसकी स्पीड है 75 ठीक। तो इसको निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन टाइम दोनों टाइम के बीच अंतर देख लीजिए आधे घंटे का अंतर आ रहा है, इनटू ऊपर आएगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स और नीचे आ जाएगा डिफरेंस ऑफ स्पीड्स। ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, बेसिक करने की कोई नीड नहीं है। देखिए डिफरेंस इन टाइम यहां पे आधे घंटे का अंतर है तो मैं इसको 1/2 लिख दूंगा ठीक है, क्योंकि स्पीड हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी
आर में लिखना पड़ेगा, 1/2 लिख दिया, इनटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट कितना हमारे पास 60 इनटू में 75, और नीचे कितना आ जाएगा डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस कितना है हमारे पास 60 और 75 का 15, ठीक है, ये काटेंगे 4, इसको काटेंगे 2, 75 इंटू 2 आ गया 150 किलोमीटर, कि मतलब जयपुर से 150 किलोमीटर पहले दोनों ट्रेनें मिलेंगी। देखिए ये है दिल्ली और जयपुर की, ट्रेनों ने यहां से शुरुआत की थी, एक थी 60 की स्पीड से, एक थी 75 की स्पीड से, तो यहां पे कहीं पे यानी कि जयपुर से 150 किलोमीटर पहले यहां पे ट्रेनें दोनों मिलेंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम चेन्नई एंड दिल्ली टुवर्ड्स ईच अदर, दो ट्रेन एक ही साथ शुरू करती है चेन्नई से दिल्ली, एक दूसरे की तरफ चलना, मतलब एक ट्रेन चेन्नई से दिल्ली चल रही है और दूसरी दिल्ली से चेन्नई चल रही है एक दूसरे की तरफ, एट द रेट 80 एंड 95 किलोमीटर पर आवर, पहली वाली ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की है 95 किलोमीटर पर आवर, व्हेन दे मीट, जब वो मिलती है, इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 180 किलोमीटर मोर देन द अदर, जब वो दोनों मिली किसी एक पॉइंट पे आके मिली तो हमें पता चला कि पहली वाली ट्रेन ने या दूसरी वाली ट्रेन ने जो फास्टर ट्रेन है उसने 180 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर लिया, फास्टर ट्रेन ने 180 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया होगा मोर देन द अदर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन चेन्नई एंड दिल्ली, दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये है कि दो ट्रेन है, एक है 80 से चल रही है, एक 95 से, तो ये दिल्ली ये चेन्नई, ठीक है, अच्छा ये 80 से चलती है, ये 95 से चलती है, ठीक है, ये कहीं यहां पे आकर मिलेंगी, ठीक है, तो ये वाली ज्यादा तेज चल रही है तो इसने 180 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ठीक, देखिए इसकी स्पीड है 80, इसकी है 95, तो जो फास्टर ट्रेन है वो एक घंटे में 15 किलोमीटर ज्यादा चल रही है, भाई इसकी स्पीड 15 किलोमीटर आर ज्यादा है ना, 15 किलोमीटर पर आवर ज्यादा की स्पीड से ये वाली चल रही है, इसका मतलब एक घंटे में 15 किलोमीटर चल रही है एक्स्ट्रा ज्यादा, तो ये 180 किलोमीटर ज्यादा कितने में चलेगी, ये 180 किलोमीटर ये चलेगी 180/15 यानी कि 12 घंटे में, 12 घंटे में 180 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करेगी ये वाली ट्रेन, 12 घंटे में 180 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करेगी ये वाली ट्रेन। ठीक है, अब देखिए 12 घंटे में जब ये ज्यादा ट्रेवल करेगी तो 12 घंटे में दोनों, 12 घंटे में दोनों मिला के कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वही हमारा दिल्ली से लेकर चेन्नई तक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है और अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, स्पीड्स का सम करते हैं, तो 80 प्लस में 95 इंटू में 12 ये हमारा आ जाएगा रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ये आ जाएगा 175 इंटू में 12 ये आ जाएगा कितना 2100 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका बेसिक तरीका है करने का। ठीक, इसका शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको, चलिए इसका डायरेक्ट, इसका जो डायरेक्ट मेथड है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास इस क्वेश्चन में कि डिफरेंस इन डिस्टेंस, डिस्टेंस में क्या डिफरेंस आ रहा है, इन टू सम ऑफ स्पीड्स अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस इन डिस्टेंस कितना है हमारे पास 180 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चली थी दूसरी वाली ट्रेन फास्टर ट्रेन, इनटू में सम ऑफ द स्पीड्स कितना है 80 प्लस में 95 और डिफरेंस कितना है 95 माइनस 80, तो ये आ जाएगा 180 इनटू ये कितना है 175 अपॉन में 15, इसको काटेंगे 12 पे कटेगा और सेम वही हमारा 2100 किलोमीटर आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थे ट्रेन्स के कुछ क्वेश्चंस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक करें।